हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवी 008। आज अपने साथ रहने वाली है किया सेल्टोस, HTX प्लस वेरिएंट रहने वाला है ये, और सबसे मेन बात ये IMT गियरबॉक्स के साथ रहने वाली है। अब इस वेरिएंट के अंदर हमें क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं, क्या सेफ्टी ऑफर की गई है, क्या प्राइजिंग्स हैं, उस सब के बारे में ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो शुरुआत करेंगे इस किया प्राइजिंग से। देखो, एक शोरूम जो कॉस्ट करती है ये 18,95,000, दैट मीन्स 18,95,000 की कॉस्ट करती है, और ऑन रोड की बात करोगे तो लगभग 21,80,000। बाकी आप जिस स्टेट में रह रहे हो ना, वहाँ के RTO पे भी डिपेंड करता है, तो भाई कंफर्म कर लेना। इस गाड़ी का जो इंजन है, बेसिकली ये डीजल कार है, तो इंजन इसकी बहुत प्यारी पावर प्रोड्यूस करता है। अब शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट से। फ्रंट देखो यार, काफी भाई बोल्ड लग रहा है इसका, और गाड़ी की जो विड्थ है ना वो भी काफी अच्छी हो जाती है, और इस गाड़ी का जो लुक है वो यार बहुत क्लासिक लग रहा है। यहाँ पे आपको फ्रंट में पूरा का पूरा क्रोम का वर्क देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको साइड में ये फोग लैंप मिल जाते हैं जो आपके LED के अंदर रहते हैं। सबसे अच्छा काम क्या करा गया, फ्रंट में इसमें ना आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और उसमें कोई कटौती नहीं करी गई है, पूरे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। इसकी जो लाइट्स हैं ये LED के अंदर रहने वाली हैं, और यहाँ पे भाई ये पूरा का पूरा आपका DRL का सेटअप हो जाता है, और यहाँ पे भी ऊपर पूरा क्रोम का यूज करा गया है, और लाइट का थ्रो जो है इसका वो काफी अच्छा हो जाता है। तो यार ये रहने वाली है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। गाड़ी की जो लेंथ है ना लगभग 4.3 मीटर से ऊपर की रहने वाली है, और गाड़ी साइड फ्रेम के अंदर भी यार बहुत क्लासिक लग रही है। सबसे मेन इसका जो अट्रैक्शन है ना वो है इसके अलॉय व्हील। इस वेरिएंट के अंदर आपको ये वाले अलॉयज मिल जाते हैं जो डायमंड कट अलॉय व्हील रहने वाले हैं, और सबसे मेन क्या, ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट में भी डिस्क मिलेंगे और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। बाकी प्रॉपर क्लैडिंग्स दे रखी हैं इसके अंदर, और इधर भी आपको ये क्लैडिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आप नोटिस करो तो क्रोम के अंदर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर भी इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इधर आपको ORVMs मिलते हैं, टर्न सिग्नल्स इस पे मिल जाते हैं, और ये आपके ऑटो फोल्ड रहने वाले हैं। ये सबसे अच्छा फीचर होता है कि भाई गाड़ी आपकी लॉक करी, ये आपका अपने आप बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप खोलोगे तो ये खुल जाएगा। बाकी B+ जो है वो मैट के अंदर है, ऊपर आपको रूफ रेल्स हैं, ये सिल्वर हैं, और सबसे मेन अट्रैक्शन है इसकी ये पैनोरामिक सनरूफ, और पीछे शार्क फिन एंटीना हो जाता है, और यहाँ आप नोटिस करोगे तो स्पॉइलर दे रखा है। स्पॉइलर कहीं ना गाड़ी की जो एक ओवरऑल प्रेजेंस है ना उसको इंक्रीज कर देता है, काफी अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे टेल लैंप्स जो हैं ये LED के अंदर हैं, और ये यहाँ तक स्ट्रेच कर रखे हैं। सबसे मेन क्या, जो पूरा का पूरा इसका लुक आता है वो बहुत क्लासिक लगता है, और इस टेल लैंप के ऊपर ही किया की बैजिंग को प्लेस कर रखा है। तो इसमें वाइपर हैं, डिफोगर्स हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, और नीचे स्किड प्लेट दे रखी है, और 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। पार्किंग सेंसर यार आपको असिस्ट करते हैं, चाहे रिवर्स में और फ्रंट में भी असिस्ट करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। IMT की बैजिंग आपको इधर मिल जाएगी, और नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स प्लस रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलेंगे। सेल्टोस की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। अब सबसे मेन इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस कितना मिलता है, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आपको कैमरा भी प्लेस कर रखा है। कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, वो अंदर चलेंगे तब देख लेंगे। अब चलते हैं अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है इसके अंदर, सिंपली भाई एक्सेस कर लो। ये देखो भाई, तकिया भी रखा हुआ है, चाहे तो सीट फोल्ड करो और सो जाओ, पूरा बिस्तर बना लो आगे वाली सीट फोल्ड करने के बाद, ठीक है। चलो ये तो मजाक की बात रही, लेकिन हाँ लगेज इसके अंदर काफी अच्छा आ जाएगा। और इधर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे जो लोडिंग लिप है वो डीप नहीं है, दैट मीन्स आपको सामान उठा के रखने में यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं आने की है। 433 लीटर का बूट स्पेस है, 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, ISOFIX चाइल्ड माउंट्स हैं, और यहाँ पे आपको इधर पार्शल सेल्फ भी दे रखी है, और क्वालिटी वाइज ये अच्छी है। अब भाई जो भाई गाने वगैरह सुनने का जो शौकीन है ना, उसके लिए इसके अंदर 8 स्पीकर्स का बोस का साउंड सिस्टम दे रखा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना इसकी वीडियो कि साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। बाकी छोटी पॉकेट है एक तरफ, इधर आपको लाइट मिल जाती है, ऊपर आपको पूरी क्लैडिंग है, ठीक है, और ये आपको स्टडी हैंडल मिल जाता है। इसको बंद कर देते हैं, अब चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर ही भाई फीचर रिच कार है तो अंदर ही कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रहेगी इस गाड़ी की ट्रिम। अब ट्रिम के अंदर ना काफी अच्छा काम करा गया है, वैसे तो प्लास्टिक के अंदर है, बट ये जो पार्ट है ना आपका ये लेदर के अंदर हो जाता है। इधर आपको ग्लोसी ब्लैक मिलता है, ये कर्टेंस मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में ये कर्टेंस भाई बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। इधर की तरफ आपको बोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और स्पीकर की ग्रिल जो है ना वो 3D टाइप से, नीचे आपकी बोतल आराम से आ जाएगी। और जो सीट कवर्स है ना, ये कलर इसका बहुत ही सही लग रहा है, परफोरेशन के साथ हैं, और क्वालिटी लेदर की काफी अच्छी यूज कर रखी है। बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं इसके अंदर, 3 ELR सीट बेल्ट्स हैं ऑल 5, और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, और ये आर्मरेस्ट काफी स्टर्डी रहने वाला है। बाकी अंदर वाला पार्ट ना आपको ये भी स्टर्डी कर रखा है, और भाई चहेती ये आपको यहाँ से पूरी रूफ दिख जाएगी,
ये एक अट्रैक्शन है, ठीक है। अंदर की तरफ देख लो आप लोग, यहाँ पे आपको काफी अच्छा लेग रूम मिल जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छी है, इधर आपको पॉकेट है, और ये वाला पार्ट भी प्लास्टिक का है। ट्विन कप होल्डर्स हैं, ठीक है, एयर प्यूरीफायर है, यहाँ पे अपना फोन रख लो, और इधर आपके भाई दो सॉकेट हो जाएंगे टाइप सी के, वैसे भी अब टाइप सी ज्यादा यूज हो रहा है। और ये रहेगा इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसको। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, उससे पहले भाई इसकी चाबी देख लेते हैं। कुछ ऐसी की मिलती है इसके अंदर। अब यहाँ पे भाई कोई भी बटन नहीं है, इधर किया की बैजिंग है, बटन है कहाँ पे, तो भाई यहाँ पे बटन दे रखे हैं, लॉक अनलॉक का बटन है, इसे होल्ड करोगे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, प्लस यहाँ से आपका बूट रिलीज हो जाएगा। की काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी देखने में। रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राइवर साइड ही मिल रहा है। अब आ जाओ अंदर, ये रहने वाली है इसकी फ्रंट की ट्रिम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑल फोर पावर विंडोज के स्विचेस हो गए, ORVM के कंट्रोल्स हो गए, लेदर रैप्ड इधर भी मिल रहा है आपको, नीचे बोतल अपनी प्लेस कर सकते हो, और इधर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। इसके अंदर एक स्पीकर आपको डैशबोर्ड पे भी प्लेस कर रखा है, जो आपको यहाँ पे सेंटर में मिल जाएगा। अब यार इसके अंदर अगर आप सीट्स की बात करोगे तो जो ये ड्राइवर सीट्स है ना, ये पावर एडजस्टेबल हैं। को पैसेंजर वाली आपकी मैनुअल रहेगी, ठीक है। बाकी IMT है तो इसके अंदर सिर्फ आपको दो पैडल देखने के लिए मिलेंगे, और आपको प्रॉपर डेड पैडल भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये सारे फीचर्स हो जाते हैं ना, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये बहुत हेल्पफुल फीचर है, हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है, बाकी डुअल टोन डैशबोर्ड है, और सबसे अट्रैक्शन जो है ना इसका, मेन जो अट्रैक्शन है वो है इसकी जो सेंटर में आपको पैनल दे रखा है। पूरा का पूरा व्यू देखो यार, भाई दिल में समा जा रहा है, ऐसा व्यू है और आंखों को इतना प्यारा लग रहा है ना, मजेदार। यहाँ पे पैसेंजर और को पैसेंजर बोर नहीं होने वाले किसी भी हालत में। यहाँ पे पूरा स्टीयरिंग व्हील है जो लेदर रैप्ड रहने वाला है, स्टिचिंग पूरी ब्लैक्ड आउट है, यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक का यूज किया गया है, और सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे क्रूज कंट्रोल हो गया, इधर आपको मिल जाते हैं मोड्स वगैरह, स्टीरियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर आपको यार पूरी की पूरी डिजिटल डिस्प्ले मिलती है 10.25 इंच की, और यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर तीन स्क्रीन्स दे रखी हैं जो आपकी एक्सेस होंगी इस सेंटर वाली डिस्प्ले से। 10.25 इंच की ही ये डिस्प्ले है, और टच तो यार इतना प्यारा है ना इसका, बहुत ही प्यारा है। और मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे लेआउट में जाऊँगा, ठीक है। ये आपको तीन दे रखे हैं, अब यहाँ पे आप देखो, मैं क्लासिक बी पे करूँगा, इस पे क्लासिक बी पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे यार ये डिफरेंट हो गया, ये क्लासिक सी है एंड ये क्लासिक ए है। और अगर इसको मैं सिंक करता हूँ विद टाइम एंड वेदर, तो आपकी ये स्क्रीन हो जाएगी। तो भाई देखो, फीचर्स तो बहुत प्यारे हैं इसके अंदर, और ये टच स्क्रीन जो है ना, ये भी यार बहुत स्मूथ है। सबसे मेन बात, जो नेविगेशन है वो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सारे के सारी आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगी, क्लाइमेट की सेटिंग्स भी यहीं मिल जाएगी। इसके अंदर आपको डुअल जोन AC मिलेगा, ये आपको सबसे मेन ऑटोमेटिक मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आवाज़ तेज कम करने के लिए ना, यहाँ पे इस तरह के टॉगल स्विचेस भी दे रखे हैं, जो आपके यार ऑब्वियसली यूज में आते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो। हैज़ार्ड स्विच हो गया, इधर आपको टाइप ए टाइप सी का सॉकेट प्लस 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है एज एन कन्वीनियंस, प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी दे रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा फिनिशेस के लिए हो गया। बाकी यहाँ पे आप देखो 6 स्पीड IMT। अब यार ये चीज़ है असली चीज़, IMT गियरबॉक्स का फायदा क्या है कि आपको ऑटोमेटिक का भी मजा भी मिलेगा और आपको मैनुअल का मजा भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, और कैमरा, ये आपकी कैमरे की क्वालिटी हो जाएगी रिवर्स कैमरे की, तो कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। बाकी ये आपका गाइडलाइंस के साथ है। अब बात कर लेते हैं यार सेंटर में, यहाँ पे आराम से आप ये भाई कप होल्डर्स दे रखे हैं, छोटी छोटी चीज रख सकते हो, दो बोतल भी रख सकते हो, और इधर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको काफी डीप स्पेस मिल जाएगा। देखो सामान वामान काफी अच्छे से इसमें आ जा रहा है। और ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ये एक ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। बाकी ये वाला पार्ट जो है ना, ये सॉफ्ट टच है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था, ये आपका स्पीकर हो जाता है। इधर आपको वाइजर्स हैं टिकट होल्डर्स के साथ है। बाकी यहाँ पे लाइट्स हो जाती हैं, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, ये आपका ऑटो डिमिंग IRVM हो जाता है विद किया कनेक्ट फीचर, SOS प्लस टो अवे फीचर। इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और ये जो वाइजर्स है ना, ये सही क्वालिटी के हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेस्ट हैं या बहुत डाउन है, मतलब मीडियम क्वालिटी के हैं। अब सबसे मेन इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे, तो भाई इस गाड़ी के अंदर ना 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, जो एक प्लस पॉइंट है। बाकी ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल,
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बाकी आपकी पूरी लिस्ट है, आप एक एक करके पढ़ लेना। तो सेफ्टी फीचर्स काफी अच्छे दे रखे हैं, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। डीजल के अंदर मैंने आपको पावर बताई दी है 250 NM, जिसकी रनिंग अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर से ज्यादा की है ना महीने की, तो वो डीजल पे डेफिनेटली जा सकता है। और बाकी भाई अगर किसी का मन है और किसी को पावर चाहिए बढ़िया, तो उसके लिए तो कोई रोक टोक है ही नहीं है। बाकी जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो भी काफी अच्छा है इसका। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने साथ वालों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, अगर कोई लेना चाहता है तो उसकी एक हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।